हम लोग लोकसभा कर रहे थे, लोकसभा स्पीकर की बात हो गई थी, कार्यकाल बता दिया था आपको, है ना। ठीक है, कार्यकाल बताने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसके कार्यकाल फिक्स नहीं है और इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। जब तक नेक्स्ट लोकसभा का गठन नहीं होगा, आप क्या टर्म यूज करेंगे, जब तक नेक्स्ट लोकसभा का गठन नहीं होगा, यानी कि नेक्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, तब तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। नई लोकसभा के गठन के बाद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेक्स्ट लोकसभा जैसे ही होगा, ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद स्पीकर प्रोटेम चार्ज ले लेंगे और स्पीकर प्रोटेम क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे और फ्रेश स्पीकर का इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन जो है, जो भी लोकसभा अध्यक्ष का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में जितने मेंबर्स हैं वो वोट डालेंगे और सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सबको क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, द स्पीकर इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। लोकसभा अध्यक्ष का पुनः निर्वाचन किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि जो लोकसभा स्पीकर है वो वोट डाल सकता है सदन में, राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वोट नहीं डाल सकता है। रीजन ये है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का मेंबर भी है, ठीक है ना, इसलिए वो वोट डाल सकता है, लेकिन वो केवल कास्टिंग वोट डाल सकता है। क्या लिखेंगे, कास्टिंग वोट। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन वोट, दैट इज कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। हिंदी में लिखेंगे क्या, निर्णायक मत। लोकसभा अध्यक्ष केवल निर्णायक मत दे सकते हैं। अब हेडिंग डालिएगा, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। निर्णायक मत मैंने आपको समझाया था कि जब दोनों तरफ 50-50 हो जाए तो वो जो वोट डाला जाएगा उसी को हम कास्टिंग वोट कहते हैं, ठीक है ना। इन एनी अदर केस वो वोट नहीं डालेगा, ठीक है, लेकिन अगर सदन में दोनों पक्ष बराबर हो गए, पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष जिसकी तरफ वोट देंगे उसको क्या कहेंगे, निर्णायक मत, यानी कि कास्टिंग वोट। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कास्टिंग वोट के लिए, चलिए आपने दोबारा पूछा तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जो भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु डील हुई थी, न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, ठीक है, उस समय इस 1-2-3 एग्रीमेंट कहते हैं इसको, अमेरिका और भारत के परमाणु संधि को क्या कहते हैं, 1-2-3 एग्रीमेंट। इस केस में पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर वोट पड़े थे और उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, ठीक है, उन्होंने कास्टिंग वोट का प्रयोग किया था। ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने किसी को टाइम दिया है तो मैं टाइम पर ही होता हूं, ठीक है, मतलब इसको मैं प्रॉब्लम ही मानता हूं, क्योंकि इंडिया में टाइम का मतलब टाइम नहीं होता है, 9:30 का मतलब 10 होता है, 9 का मतलब 9:30 के बाद होता है, लेकिन मेरे साथ ये है कि अगर मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो 9 बजे से पहले मैं वहां पे होऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर 9 से 11 है तो जरूरी नहीं कि मैं 11 बजे तक रहूं, हो सकता है मैं 10:45 चला जाऊं, हो सकता है मैं 11:30 जाऊं, वो डिपेंड करता है कि मेरा क्या शेड्यूल है,
बट द थिंग इज, अगर आपकी क्लास 10 बजे है तो मैं 10 बजे यहाँ होऊंगा, 1 बजे है तो मैं 1 बजे यहाँ होऊंगा, पहले होऊंगा, ठीक है ना? तो आप लोग उस तरह से अपने आप को रेडी रखिए। अगर मेरी क्लास मॉर्निंग में है तो हम मॉर्निंग में भी टाइम पर होंगे, हम लेट नहीं हो सकते, ठीक है? कहीं भी नहीं होते, तो इसलिए आप लोग उसका रखिए। और दूसरी चीज ये है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन रखता है। लोकसभा में क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, ये हर एक चीज डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर, ठीक है? तो फर्स्ट लाइन लिखिएगा, द लोकसभा स्पीकर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर ऑल मीटिंग्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर ऑल मीटिंग्स ऑफ लोकसभा। वे लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ऑर्डर इन लोकसभा। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ऑर्डर इन लोकसभा। और वे लोकसभा में व्यवस्था व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, क्लियर बताइए, सभी लोग बताइए। कितने लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ लिया है यहां पर अभ्युदय? एक बच्चे ने, बाकी ने नहीं पढ़ा है? देखिए, हमें जो पार्लियामेंट का शेड्यूल दिया गया है, सुन लीजिए ध्यान, अच्छा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग आपस में बात मत कीजिए, सुबह सुबह तो बिल्कुल शांत मन से पढ़ सकते हैं, है ना? तो देखिए, अगर मॉर्निंग में हमारी क्लास हो रही है तो आप लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, दोपहर तक आप लोग थक जाते हैं मुझे लगता है ना? तो अगर प्रेसिडेंट नहीं पढ़ाया गया तो देखिए, हमें 5 दिन का शेड्यूल मिला है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है? तो अगर आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों में 5 दिन में कवर कर, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग, हाँ ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है? तो अभी मैं लोकसभा कर रहा हूँ, फिर राज्यसभा, क्योंकि पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है? और पार्लियामेंट के लिए, अच्छा, जिन बच्चों को पार्लियामेंट बहुत अच्छे से पढ़नी हो वो लोग कौन सी बुक लेंगे? वो लोग सुभाष कश्यप की बुक खरीदेंगे, आवर पार्लियामेंट, ठीक है? आप लोगों को तो लाइब्रेरी फैसिलिटी होगी ना यहाँ पे? नहीं, टैगोर मेरे ख्याल से आप लोग जा सकते हैं। हाँ, तो टैगोर में आप लोग ले लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी सुभाष कश्यप की बुक, ठीक है? आवर पार्लियामेंट, उसको केवल एक रीडिंग लगा लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये मान के चलिए कि पॉलिटी में हर साल संसद का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है? ये वो एरिया है जिससे क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा, कोई साल इसका गैप नहीं होना है। तो अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, हालांकि मैं वो सब कवर कर दूंगा, लेकिन आप फिर भी खुद भी कभी कभी पढ़ना चाहेंगे तो आवर पार्लियामेंट सुभाष कश्यप, ठीक है? सुभाष कश्यप की बुक आवर कॉन्स्टिट्यूशन करके भी आती है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है। तो संविधान को पढ़ना है तो आप सुभाष कश्यप की आवर पार्लियामेंट और आवर कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो मैं प्रेसिडेंट भी कर दूंगा, बस आप लोग जो है थोड़ा सा टाइमली रहिए और थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए आगे लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा अब इसमें, वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। मनी बिल के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा आर्टिकल 110, वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, धन विधेयक है अथवा नहीं, इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है? ब्रैकेट में धन विधेयक के बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 110। ये आर्टिकल आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? कोई
कुछ आर्टिकल हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। 110, 123, 111, ये तीन आर्टिकल आपको हमेशा याद रखने हैं। 110, 111 और 123, ठीक है, इनको जरूर याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे। तो देखिए, होता यह है कि संसद में कोई भी कानून लाया जाएगा। देखिए, एक पहली बात तो यह समझिए कि एक चीज होती है बिल और दूसरी चीज होती है एक्ट। इसको कहते हैं विधेयक और इसको कहते हैं कानून, ठीक है। जब भी कोई चीज संसद में पेश की जाएगी, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, वो क्या कहलाएगी? बिल या विधेयक, ठीक है। जब इसे हम संसद से पास कर देंगे प्लस प्रेसिडेंट का साइन करवा लेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्ट। तो अ ड्यूली पास्ड बिल इज एक्ट। सही तरीके से पारित किया गया विधेयक क्या कहलाएगा? कानून। तो कई बार आप सुनते होंगे, ये बिल लाया गया, ये बिल लाया गया, ये बिल लाया गया। तो बिल का मतलब है कि अभी उस पर दोनों सदन पास नहीं किए हैं और प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए, ठीक है। जब भी प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे तब उसे हम कानून कहेंगे। क्लियर है सबको? बिल और एक्ट, इन दोनों का अंतर समझ में आया? यानी कि दोनों हाउस से पास करना है प्लस प्रेसिडेंशियल असेंट चाहिए, ठीक। तो कोई भी बिल, भाई देखो बात मत करो यार, बात मत करो, ठीक है, जो भी पूछना हमसे पूछ लो या थोड़ी देर शांत रह लो, एक घंटे की बात है, एक घंटे सवा घंटे, इससे ज्यादा पढ़ाएंगे भी नहीं, ध्यान से पढ़ लो बस। तो कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में पेश किया गया है, ठीक, तो उस बिल को अगर स्पीकर चाहे तो उसको मनी बिल कह सकते हैं, और अगर यानी धन विधेयक कह सकते हैं, और अगर उन्होंने किसी भी विधेयक को धन विधेयक कह दिया तो उसको धन विधेयक ही माना जाएगा, ठीक। उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। संसद के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, मैंने आपको अभी भी बताया, इसका निर्णय स्पीकर करेंगे और स्पीकर का डिसीजन अनक्वेश्चनेबल है, ठीक है, मतलब उस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। क्लियर है सबको? धन विधेयक क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे, अभी हम कानून अलग से पढ़ाएंगे आपको पार्लियामेंट में ही, ठीक है, कि कैसे कैसे कानून होते हैं, किस किस तरीके के बिल होते हैं, वो अभी हम आगे बताएंगे। अभी केवल स्पीकर की पावर बता रहे हैं, और स्पीकर की पावर में क्या आएगा कि कोई भी बिल, मनी बिल है या नहीं है, तो ये डिसीजन कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड व्हाट एवर ही डिसाइड्स इज फाइनल, ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए, मैंने आपको आर्टिकल लिखवा दिया है, उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मनी बिल किसको कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बिल पढ़ाऊंगा, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मनी बिल होता क्या है, ओके, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूं, 10 मिनट के अंदर अंदर बता दूंगा, तब तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा, एक ऑर्डर नहीं गड़बड़ करेंगे, इसलिए उसको अभी हम नहीं बता रहे, 10 मिनट में बता देंगे, ठीक है। तो लेकिन जो 110 में लिखा हुआ है वो हो या ना हो, अगर स्पीकर ने कह दिया कि ये मनी बिल है तो वो मनी बिल है, समझ गए बात, वो किसी को भी मनी बिल कह सकता है। अब मनी बिल कहने के असर क्या होंगे वो भी अभी बताता हूं थोड़ी देर, ठीक है। अभी केवल इतना जानिए कि स्पीकर जब चाहे तब ये डिसाइड कर सकता है, जिस बिल को चाहे उस बिल को मनी बिल कह सकता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई डाउट है? ठीक, नेक्स्ट। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर सहमति ना हो, तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता
जहां पे आपने लिखा सहमति ना हो उसके आगे ब्रैकेट में लिखिएगा गतिरोध, शब्द क्या लिखेंगे गतिरोध, ब्रैकेट में शब्द लिख लीजिएगा, तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा जिस सत्र की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, जिस सत्र की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ हाउसेस ऑन एनी बिल, ऑन एनी बिल अ ज्वाइंट सेशन में बी कॉल्ड, अ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बी कॉल्ड, विच इज ऑलवेज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर लोकसभा। Which is always presided by speaker, लोकसभा, जिसकी अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। जहां पे लिखा है in case of disagreement between both houses, उसके आगे ब्रैकेट में लिखेगा डेडलॉक। टर्म क्या यूज होता है? डेडलॉक या गतिरोध। ठीक है, अब डेडलॉक को जरा समझिएगा कि कब होगा डेडलॉक, यानी कि गतिरोध कब कहा जाएगा। मैंने आपको बताया कि दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि लोकसभा ने कोई विधेयक राज्यसभा में भेजा पास करने के लिए। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिएगा फिर ये समझाते हैं। द ज्वाइंट सेशन शुड बी कॉल्ड फॉर ऑर्डिनरी बिल्स ओनली, शुड बी कॉल्ड फॉर ऑर्डिनरी बिल्स ओनली। संयुक्त सत्र, संयुक्त सत्र केवल साधारण विधेयक के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, साधारण विधेयक क्या होता है? 10 मिनट बाद। ठीक है, मतलब सारे कानून एक साथ पढ़ा देंगे, ऐसे एक एक को बताएंगे तो फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे, इसलिए अभी 10 मिनट में हम आपको सारे कानून बता देंगे कितने तरीके के कानून होते हैं इस देश में। तो मान लीजिए आप लोकसभा ने कोई बिल राज्यसभा के पास भेजा। ठीक है, अब राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है? मान लीजिए कि हमने आपसे कुछ कहा, हमने कहा कि बेटा कल ये आंसर लिख के लाना। अब आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है? पहला ऑप्शन क्या है? दूसरा? तीसरा? हाँ ठीक है, चौथा? ठीक है, पहला ऑप्शन हमेशा सबके पास होता है, एक्सेप्ट कर ले, सिंपल सी बात है। मैंने कहा कल कर लाइएगा, आप कर लाइए, यही तो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप मना कर दीजिए, ऐसा है गुरुजी हमारा ये काम नहीं, नहीं करेंगे, जो करना कर लो, कर सकते हैं ना। तीसरा, आप कुछ ना बोले, मतलब डू नथिंग, ना हां बोले ना ना बोले ना करके लाए, ऐसा भी तो करते हैं, मतलब ज्यादातर बच्चे तो यही करते हैं, है ना। सामने से बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए सर कितना भी क्वेश्चन देते रहे हम तो नहीं करेंगे, और आप तो मेरा नाम भी नहीं जानते, तो पूछोगे भी नहीं कि किया कि नहीं किया। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? डू नथिंग, यानी कि कुछ ना करना। तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है कि आप कहें कि सर ये दो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं मेरे लिए, आप ऐसा करिए कि एक क्वेश्चन हमें दीजिए, हम कर लाएंगे। मतलब जो भी आपको दिया गया उसमें कुछ चेंजेस करने की आप रिक्वेस्ट कर सकते, यही चार ऑप्शन तो है आपके पास, है ना। तो चौथा ऑप्शन क्या है? रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार। ठीक है, चौथा ऑप्शन यह है कि हम आपको पुनर्विचार के लिए भेज दें कि इस पे थोड़ा चेंज कर दीजिए, उसके बाद हम कर लेंगे। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, डू नथिंग और रिकंसिडरेशन, हमेशा हम यही चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चुनते हैं, कोई भी काम आपसे कहा जाए, कोई भी आपसे कुछ कहे। ठीक है, अब क्या हुआ?
एक्सेप्ट कर लिया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये ऐसे ही बना लेना, क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में चीज यहीं से क्लियर हो जाएगी। डू नथिंग यानी कि कुछ ना करना। ठीक है, 6 मंथ तक अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, यानी राज्यसभा ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 6 मंथ जरूर ध्यान से लिखिएगा। अब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, मैंने आपको से कहा कि आप 2 क्वेश्चन करके लाइएगा। आपने कहा कि सर हम एक ही कर सकते हैं, अब मेरे पास भी तो यही 4 ऑप्शन है, मैं मान लूं या ना मानूं, या मैं कुछ बोलूं ही नहीं, बाहर में जाओ, है ना, या फिर मैं कहूं नहीं बेटा ये ऐसे नहीं हो सकता, आपको 2 ही करने पड़ेंगे। क्लियर? तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो रिकंसिडरेशन के बाद अगर हमें लगता है कि नहीं हमको तो ऐसे ही करवाना है और आप ऐसे करने को तैयार नहीं है, तो इसको हम डेडलॉक मानेंगे, हम मानेंगे गतिरोध हो गया हमारे आपके कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो अगर ये जो 3 ऑप्शन है, ये चौथा वाला रिकंसिडरेशन वाला भी ऐड कर लीजिए, ये 3 ऑप्शन हुए, कुछ ना करना 6 महीने तक, मना कर देना या पुनर्विचार के लिए भेजना जिसको वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, देयर इज डेडलॉक इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। क्लियर? अब क्या होगा, अब ज्वाइंट सेशन कॉल किया जाएगा, संसद के दोनों सत्र, सदन एक साथ बुलाए जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, और उस लोकसभा के अध्यक्ष की बैठक में जो भी डिसाइड होगा वही बिल पारित हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसी को कंफ्यूजन है गतिरोध में? सबको समझ में आया? ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, यह लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत। लोकसभा में कितने मेंबर, 550 के आसपास, राज्यसभा में कितने मेंबर, 250 के आसपास। ठीक है, जिसमें कुछ वैकेंसी होंगी और कुछ होगा, लेकिन तब भी इसकी सदस्य संख्या दुगनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई विधेयक है तो विधेयक कौन लाया होगा, जो पारित करवाना होगा वो होगी सरकार, सिंपल सी बात है ना, सरकार ही तो कानून बनाना चाहती है। तो सरकार अगर कोई विधेयक लाई है तो इसका दूसरा मतलब यह है कि सरकार का हमेशा लोकसभा में मेजोरिटी होता है, तभी वो लोग सरकार होती है, इजंट इट? अगर मेजोरिटी नहीं होगी तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो 550 में आधे से ज्यादा मेंबर तो सरकार के होंगे ही होंगे, तभी सरकार चल रही होगी। ठीक, दूसरी तरफ जाइए, राज्यसभा में हो सकता है सरकार की मेजोरिटी ना हो, लेकिन तब भी 150 मेंबर तो होंगे ही होंगे ना। ठीक, अब अगर सोचिए कि 550 और 250 एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, 800 लोग, जिसमें से यहां से 300 करीब उनके पास ही है, 100 उनके पास है, 400 तो ऐसे ही हो गए, मतलब ये पास तो करवा लेंगे। तो सरकार को अगर कोई बिल पास करवाना ही है तो वो करवा सकती है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे राम मंदिर का जब मुद्दा चल रहा था, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, तब तक सभी लोग ये भी कह रहे थे कि अगर मोदी जी को मंदिर बनवाने की इतनी इच्छा है तो वो ज्वाइंट सेशन कॉल कर ले, ज्वाइंट सेशन में तो उनके पास मेजोरिटी है। वो बार बार क्या कहते थे, राज्यसभा में हमारे पास मेजोरिटी नहीं, हम बिल पास नहीं करा सकते। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमको, हमारे पास सांसद नहीं है, हम छोटी पार्टी है, हम बनवा नहीं सकते। तो लोगों ने कहा चलिए हम आपको मेजोरिटी दे देते हैं। फिर उन्होंने कहा देखो यूपी में बनवाना, तो यूपी में मेजोरिटी होगी तो हम बनवा पाएंगे, तो यूपी में मेजोरिटी दे दी। फिर कहा गया अब बनवाइए, तो उनका हमारे पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है। ठीक, तो लोगों ने कहा ज्वाइंट सेशन कॉल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने ज्वाइंट सेशन कॉल नहीं किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेस पर मंदिर बनाया जा रहा है, यह सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं बेटा, टाइम से आया करो। ठीक है, ज्वाइंट सेशन मतलब दोनों लोग को मिला के साथ में बिठा लो, ए सेक्शन और सी सेक्शन को साथ में बिठा दिया तो क्या हुआ, ये लोकसभा और राज्यसभा ज्यादा मेजोरिटी धर है ना तो क्या हुआ, ये ज्वाइंट सेशन हुआ, और ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा,
हम करेंगे, लोकसभा में हम पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी समझ में आ गया। हाँ, इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे सकते, हालांकि हम लाइव नहीं हो रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है वैसे, बाद में होएगा नहीं होगा पता नहीं, परसों वाला तो नहीं हुआ था, होगा जी। इतना समझ में आ गया सबको, किसी बच्चे को डाउट नहीं है अब तो? क्वेश्चन आप लोगों को कोई दिया गया था सैटरडे को, फ्राइडे को, सॉरी नहीं दिया गया? आप लोग याद भी नहीं दिलाते हैं, मतलब बुजुर्ग लोगों का इतना तो सम्मान किया करिए कि वो भूल जाए तो याद दिला दीजिए। तो क्वेश्चन नोट करिए, आज अभी याद आ गया नहीं फिर हम भूल जाएंगे। देखिए आप लोग बहुत मेधावी हैं और इसीलिए हम आप लोग के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देते हैं, है ना, हल्का क्वेश्चन हम देते ही नहीं आपको, क्योंकि मुझे भरोसा है आपकी बुद्धिमत्ता पर, इसलिए आपके स्टैंडर्ड का बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, भारतीय संसद की पिछले 70 सालों की भूमिका का, पिछले 70 सालों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली इवैल्यूएट फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सिंस लास्ट 70 ईयर्स। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए एवं इसकी कार्य प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दीजिए, एवं इसकी कार्य प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दीजिए एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट इन इट्स फंक्शनिंग, और इसकी भूमिका में सुधार हेतु सुझाव दीजिए एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट इन इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, प्रश्न तो समझ में आ गया? हाँ, ये प्रश्न आपको करके लाना है, मिलेगा नहीं खुद ही सोचना है। ये प्रश्न है जिसमें आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम किसी के कार्य का मूल्यांकन करते हैं तो हमें कार्य का उदाहरण भी तो देना पड़ेगा, है ना, तो और ये आलोचनात्मक समीक्षा करने की बात कही गई है, यानी कि आपको आलोचना भी करनी है और अच्छाई भी बतानी है, ठीक है ना, समीक्षा करने को नहीं कहा गया है। अच्छा, समीक्षा और आलोचनात्मक समीक्षा, एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज, इन दोनों में अंतर क्या है, कौन बताएगा? एक लोग हाथ उठाओ भाई, ऐसा लोग दिन दिन बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, अच्छा ठीक है, और कोई है? ठीक है, गुड, और आलोचनात्मक समीक्षा तो आप लोग हमेशा करते हैं, सबसे ज्यादा तो टीचर की ही कर लेते हैं, टीचर आया नहीं कि आलोचना शुरू और गया नहीं कि समीक्षा शुरू। एनालाइज एंड क्रिटिकली एनालाइज, एनी डिफरेंस? बैठे रहिए आराम से बात। ठीक है, गुड, बैठ जाइए। हाँ, लेकिन मतलब मैं इतना प्रिसाइज नहीं कहूंगा जितना प्रिसाइज आपने कहा, क्योंकि परसेंटेज निकालना भी मेरे लिए मुश्किल है, मैं थोड़ी वीक है। आसान तरीके से समझिए कि समीक्षा में भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं, ठीक है। अगर हमने कहा कि एनालाइज करिए, तो इसका मतलब पॉजिटिव भी बताइए और नेगेटिव भी बताइए, लेकिन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव पर ज्यादा ध्यान देना है और निगेटिव और उसकी रेमेडी दोनों बतानी, यानी उसका उपचार भी बताना है,
ठीक है, और निगेटिव का उपचार बताते बताते उसको सकारात्मक कर देना है। समझ में आ गई बात? जब हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो उसमें निगेटिव्स पर ज्यादा ध्यान देना है, बताना उसमें भी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव्स बता करके निगेटिव्स पर ज्यादा फोकस करना है, और उसके बाद आपको उन निगेटिव्स के रीजन और सॉल्यूशन दोनों बताने। समझ में आ गया? क्योंकि हमें यह बताना कि निगेटिव है क्यों और अब उसका सॉल्यूशन बताना है। बाकी लास्ट आपको पता है, बाद में कंक्लूजन सब में होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करिएगा, अच्छे से पढ़ के करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें बिना सोचे आप लिख नहीं सकते और बिना पढ़े भी नहीं लिख सकते। और मुझे पता है आप लोग के स्टैंडर्ड का नहीं होगा तो आप लोग वैसे भी नहीं लिखोगे, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ता है मुझे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं भाई, कहां पहुंच गए थे हम? डेडलॉक समझ गए? अब हेडिंग डालिएगा स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा की विशेष शक्तियां। जब हम कहते हैं विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पावर्स जो राज्यसभा के पास नहीं है, है ना? जैसे हम कहें स्पेशल पावर्स ऑफ सेक्शन ए, तो क्या हुआ वो चीजें जो सेक्शन ए में है और सेक्शन सी में नहीं है, या स्पेशल पावर्स ऑफ सेक्शन सी जब कहेंगे तो इसका मतलब सेक्शन ए में वो चीजें नहीं है। तो स्पेशल पावर का मतलब वो चीज दूसरे के पास नहीं है। तो लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव क्या पावर्स है? पॉइंट नंबर वन, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी, केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी। रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी, इसका क्या मतलब हुआ? ये लाइन तो हमेशा सुनी होगी आपने, पहली बार तो नहीं सुना ये लाइन। कोई कुछ पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा। बट हाँ, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल लगती हो शक्ल से ही। हाँ तो बताइए, रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? तो वो बता दो जो तुम नहीं हो। अच्छा, इधर कोई है भाई रिस्पॉन्सिबल? ज्यादा बताना पड़ेगा वहां पे। गुड, वेरी गुड। इधर कोई है रिस्पॉन्सिबल पर्सन? यार तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल लगते हो। और किसी जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। गौरी, तुम्हारा नाम मुझे याद है। कैसे? चेंज कर, कवर से नाम याद। नहीं, कवर से नहीं याद था मुझे, किसी और कारण से याद था। तुम रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग बता दो, मैं कारण बता दूं। हाँ, और जिम्मेदार मतलब? मतलब तो जो कार्य दिया जाए वो अच्छे। ठीक, चलो क्लास के बाद बता देंगे, सबके सामने नहीं बताएंगे ना। तो तुम आई नहीं तो क्या हम तुमको ढूंढेंगे? इतना पॉपुलर थोड़े नहीं हो कि सब किसी को ढूंढेंगे। देखिए, एक बात को ध्यान से समझिए। आप लोगों में से कई लोग हैं जो थोड़े समय से तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब सभी नए नए नहीं है ना। जो लोग पुराने हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि वो ऑप्शनल क्या लेंगे। थोड़ा बहुत तो कभी सोचा ही होगा, मन में दिल में ख्याल कुछ तो आया ही होगा, है ना? तो जब भी आप कभी ऑप्शनल लेने के लिए सोचिएगा,
जिस भी सब्जेक्ट को लेने के लिए सोचिए, तो सबसे पहला काम जो करिएगा, जो नॉर्मली कोई टीचर आपसे नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान से याद से करिएगा जरूर, ठीक है? उस सब्जेक्ट की डिक्शनरी खरीदिए, भले ही आपने उसमें पीजी किया हो या पीएचडी किया हो। क्या करना है सबसे पहले? उस सब्जेक्ट की डिक्शनरी खरीदनी है। ऑक्सफोर्ड की हर सब्जेक्ट की डिक्शनरी आती है, ठीक है ना? क्यों ऐसा करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हर सब्जेक्ट में जो वर्ड होता है उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। बात समझ में आ रही है? जो आप कॉमन वर्ड सुन रहे हैं सब्जेक्ट में उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, डिमांड, मांग, है ना? अगर वो सोशियोलॉजी में है तो वो दूसरी डिमांड का मतलब, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब वही है नहीं? अच्छा, कोई है जिसने बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो? आप कोई नहीं होगा। इंटर में, हाई स्कूल में कभी अर्थशास्त्र से कोई वास्ता कभी रहा हो? सभी वैज्ञानिक हैं यहां पे, सभी हैं, पढ़ाया कभी इकोनॉमिक्स? नितवा पीछे हो, रेड नहीं पढ़ा? यही पढ़ा है, यहां पढ़ा है ना? हाँ, तो डिमांड बताओ क्या होता है? इसको मैं मानूंगा कि जिसने पढ़ा है उसका आप अपमान कर रहे हैं। हाँ बेटे, प्लीज। ओके, प्लीज सिट डाउन। और कोई इधर? हाँ बेटा, आप बताएं। अरे सुना है यार, ऐसा थोड़ा ना, और इतना डिमांड तुम पापस करते रहे हो आज तक, कुछ तो बता दो। जितनी खपत होती है उस हिसाब से, जिसकी जितनी खपत होती है उतनी डिमांड होती है, ठीक है? इकोनॉमिक्स तो डिमांड से ही शुरू होती है ना? सबसे पहले डिमांड और सप्लाई होगी, प्राइस बनेगा, मार्केट होगा, तभी सब कुछ होगा। मतलब शुरुआत डिमांड से ही होती है इकोनॉमिक्स। तुम बताओ यार, तुम तो अर्थशास्त्री भी लग रहे हो। एडम स्मिथ मर गए लेकिन तुम्हारी शक्ल मिल रही है। अच्छा, सर्विस की नहीं होती? हाँ, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड क्या है? इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड होती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन आप इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लीजिए, ठीक है? डिमांड का मतलब यह है कि द विल एंड विश टू बाय एनीथिंग प्लस परचेजिंग पावर। आप कुछ भी जो खरीदने की इच्छा रखते हैं प्लस आपकी जेब में उसको खरीदने का पैसा है, तब यह कहलाएगी डिमांड। डिमांड किसको कहेंगे? ग्राहक की कुछ भी खरीदने की इच्छा प्लस परचेजिंग पावर। अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो वो डिमांड नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए कि आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, सभी लोग मर्सिडीज लेना चाहते हैं, जेब में पैसा नहीं है, अब ये डिमांड नहीं है। आपकी जेब में पैसा है और आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, आप शोरूम में गए लेकिन आपने मर्सिडीज खरीदी नहीं, तब भी ये मर्सिडीज की डिमांड है। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्समैन अच्छा नहीं था, वो सेल नहीं कर पाया। बट इफ यू डोंट हैव परचेजिंग पावर तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। हर वो चीज जो आप खरीदना चाहते हैं और उसे खरीदने की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति आपके पास है, केवल इकोनॉमिक्स में उसको डिमांड कहा जाता है। तो समझ गया ना? वैसे क्या था, हमारी मांगे पूरी करो, शब्द का मीनिंग अलग हुआ, इकोनॉमिक्स में डिमांड अलग होगी। उसी तरीके से जब हम कहते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल का मतलब वो नहीं है जो आप अभी तक समझ रहे थे, अब पॉलिटी वाला टर्म रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? जैसे आपसे कहा जाए स्टेट, तो स्टेट का मतलब आप क्या समझते हैं? यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब है नेशन,
ठीक है, तो इंडियन स्टेट जब यूज किया जाएगा तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, बात समझ में आ रही है ना। तो शब्द बदलने से सब्जेक्ट में मीनिंग बदल जाते हैं, इसीलिए बाकी सारे सब्जेक्ट की डिक्शनरी आप पढ़ पाए इतना समय आपके पास नहीं है लाइफ में, ठीक। लेकिन जो भी आप ऑप्शनल कभी भी सोचें उसकी डिक्शनरी अभी से पढ़ने लगे, कम से कम आपको उस वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली पता हो, क्योंकि अगर आपने गलत जगह पर गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया तो जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा कम से कम प्रोफेसर हो, ठीक है ना। तो इसलिए शब्दों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब हम बताते हैं रिस्पॉन्सिबल का मतलब। जब हम पॉलिटी में ये कहते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ओनली ओनली लिखा है ना लास्ट में, केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगा, इसका मतलब यह होता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड ऑलवेज हैव मेजॉरिटी इन लोकसभा। इसका क्या मतलब हुआ कि मंत्रिपरिषद का लोकसभा में सदैव बहुमत होना चाहिए। यहां पर रिस्पॉन्सिबल का मतलब है बहुमत। तो चाहे तो आप लिख लीजिए, जिससे बाद में अगर ना याद रहे तो आपके पास रिटन फॉर्म में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल ओनली का मतलब दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड ऑलवेज हैव मेजॉरिटी इन लोकसभा, अर्थात मंत्रिपरिषद का लोकसभा में सदैव बहुमत होना चाहिए। तो ये लोकसभा की स्पेशल पावर हुई। राज्यसभा में अगर मेजॉरिटी नहीं है तो भी चलेगा, क्लियर है। पॉइंट नंबर टू, अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाएगा। केवल लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द बजट शुड ऑलवेज बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा द राज्यसभा कैन डिस्कस ऑन इट द राज्यसभा कैन डिस्कस ऑन इट बट कैन नॉट वोट बट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स बट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। अगला पॉइंट लिखेगा, बजट केवल लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाएगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स। राज्यसभा में इसमें चर्चा हो सकती है, राज्यसभा में इस पर चर्चा होती है, परंतु राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करेगी। अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करेगी। डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान मांग, ठीक है। इसको डिटेल में भी हम 10 मिनट बाद बताएंगे, लेकिन अभी यूं समझ लीजिए आसान भाषा में, जो भी सरकार बजट में पैसा मांग रही है खर्चा करने के लिए, उन सबको हम क्या कहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान मांग। इस पर लोकसभा में वोटिंग होगी लेकिन राज्यसभा में वोटिंग नहीं होगी। जब हम कह रहे हैं कि राज्यसभा में इस पर वोटिंग नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्लियर हुआ भाई। जिस पर वोटिंग होगी वही एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा ना। आप डिस्कस कर सकते हो लेकिन वोट नहीं कर सकते, मतलब आप ये कह सकते हो अच्छा है या बुरा है, लेकिन इसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा,
ठीक है, तो राज्यसभा के पास बजट के उस पोर्शन को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है जिसमें सरकार अपने खर्चे के लिए पैसा मांग रही है। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट, अ रेजोल्यूशन फॉर डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी पढ़ा है आपने, ये मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है। रेजोल्यूशन फॉर डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आगे बताइए क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे खत्म किया जाएगा? समाप्त कैसे होता है राष्ट्रीय आपातकाल? प्रोसेस आगे आगे पहले कैसे होगा, प्रोसेस कैसे शुरू होगा, कैसे हटाने का प्रोसेस शुरू कैसे होगा? मैंने पढ़ाया है भाई, लिखवाया भी है। खत्म करना है, तुम बढ़ा रहे हो। ठीक है, बस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, बाकी सही है। 1/10 सदस्य, 10 नहीं 1/10 क्या करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष या प्रेसिडेंट को एक रिक्वेस्ट देंगे कि हमको नेशनल इमरजेंसी को खत्म करना है। फिर प्रेसिडेंट या लोकसभा अध्यक्ष जिसको भी उन्होंने एप्लीकेशन दिया है वो क्या करेंगे, एक कॉल करेंगे सेशन को और वहां से सिंपल मेजोरिटी से नेशनल इमरजेंसी हटा दी जाएगी। यही था प्रोसेस, ठीक है। तो क्या लिखा है? शुड बी पास्ड बाय लोकसभा ओनली। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का विधेयक, समाप्त करने का प्रस्ताव, विधेयक मत लिखिएगा, प्रस्ताव केवल लोकसभा से पारित होगा, केवल लोकसभा से पारित होगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की विशेष शक्तियां। पॉइंट नंबर वन, अंडर आर्टिकल 67 द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली इनिशिएटेड इन राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, हम 67 बोले तो 66 लिखिए, सही कर लिया, गुड। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में प्रारंभ होगी। ब्रैकेट में लिखेगा अनुच्छेद 67। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना तो प्रपोजल कहां आएगा? राज्यसभा में आएगा। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन है ना, तो इसलिए ये प्रस्ताव राज्यसभा में पहले आएगा, बाद में लोकसभा में जाएगा, लेकिन पहले कहां आएगा ये भी तो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर टू, 67। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 312 अंडर आर्टिकल 312 द प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, द प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ओनली,
शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ओनली। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव पहले केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, पहले केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यूपीएससी की तैयारी ही कर रहे हैं, तो अखिल भारतीय सेवाएं आपसे बेहतर कौन जानता है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो भारत में जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आपका जो रिक्रूटमेंट होता है उस रिक्रूटमेंट में दो तरीके की सर्विसेज है, एक ऑल इंडिया सर्विस है और दूसरी सेंट्रल सर्विस है, ठीक है। एग्जाम में दो तरीके की भर्तियां एक ही एग्जाम से होती हैं, ऑल इंडिया सर्विस में होगा आपका या तो सेंट्रल सर्विस में होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है, केवल तीन है, ठीक है, आईएएस है, आईपीएस है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, यानी कि भारतीय वन सेवा है, ठीक। इसके सिवा जितनी भी सर्विसेज आप सुनते हैं वो सब क्या है, सेंट्रल सर्विस, केंद्रीय सेवा। हाँ, वन सेवा, फॉरेस्ट बोल रहा हूं, फॉरेस्ट माने वन माने जंगल, मतलब मोगली। लो यार, क्या कह रहे हो, हाँ क्या लिखा है, मतलब चश्मो हमें लगवाई, ठीक है। तो तीन सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज है, बाकी सारी सर्विसेज सेंट्रल सर्विस है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब कोई भी सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है या सेंट्रल सर्विस है, इससे फर्क क्या पड़ता है, और मैंने भी आपको क्या लिखवाया, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अगर गठित करनी है तो यह प्रपोजल केवल राज्यसभा में आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस का अंतर पता होना चाहिए, ठीक, इससे आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सी सर्विस करनी है अंत में, ठीक है ना। और दूसरी चीज यह है कि ऐसी पावर राज्यसभा को क्यों दी गई, सेंट्रल सर्विसेज के लिए ऐसा नहीं कहा गया, नहीं पहले तो ये बताना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या है, तब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला मामला आएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट वाला मामला आएगा। तो बताइए, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, गुड। देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज जो तीन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपकी भर्ती होने के बाद आपको एक काडर अलॉट कर दिया जाएगा, कोई स्टेट अलॉट कर दिया, आप उस स्टेट में सर्विस देंगे, जैसे आप आईएएस बने तो कहीं डीएम बनेंगे ना, तो किसी जिले में जाएंगे, है ना, या आईपीएस बने तो कहीं एसपी बनेंगे, किसी जिले में जाएंगे, ऐसा होगा ना। तो इसमें क्या है, आपको एक स्टेट काडर अलॉट किया जाएगा, आपको पूरे टाइम उसी स्टेट में सर्विस करनी है। जब आप स्टेट में सर्विस कर रहे होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की सेवा शर्तें यानी कि टर्म्स ऑफ सर्विस आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है, आपकी सैलरी पेंशन सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट देगी, क्लियर हो गया। जब आप सेंट्रल सर्विस में रिक्रूट होंगे, जैसे पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, कहीं पर भी होंगे तो आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में, ठीक है, इसमें सारे नियम सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। और आपके सारे खर्चे, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 दिन का काम होता है, छठे दिन और सातवें दिन छुट्टी होती है, तो
5 days वीक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा, आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सर्विस कंडीशंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आपकी सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और ऑल ओवर इंडिया आपका कहीं भी ट्रांसफर करी थी, ऊपर वाले में आपको जो स्टेट मिला आपको उसी स्टेट में घुमाया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट आपको सब कुछ देगी। अंतर समझ में आया? तो इसीलिए सब लोग क्या चाहते हैं कि अपना वाला स्टेट मिल जाए। भोकाल तो यूपी में रहेगा ना, अब आप तमिलनाडु में डीएम बन के घूमो यूपी में कौन पहचानता है आपको, है कि नहीं है? तो हम लोग अपना स्टेट क्यों चाहते हैं एज अ कार्डर, क्योंकि अपने स्टेट में रहेंगे तो सबको भोकाल दिखाएंगे और अपना स्टेट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्या कभी कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में जो कभी चेंज ना हो, है ना? चेंज ही कॉन्स्टेंट है ना, लाइफ में एक ही चीज कॉन्स्टेंट है, वो क्या है? चेंज। एक चीज है जो हमेशा परिवर्तित होती है, हमेशा स्थिर रहेगी और वो है परिवर्तन। आप चाहें या ना चाहें परिवर्तन जरूर होगा। अब वो हम पढ़ा नहीं रहे अभी, ठीक है। टॉपिक से अलग ज्ञान चाहिए तो क्लास के बाहर, हाँ, इसीलिए मैं आपको उसका जवाब नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो फिर टॉपिक से हम अलग हो जाएंगे। मैंने सिर्फ एडिशनली ये इसलिए बता दिया कि आप जो लिख रहे हैं वो आपके दिमाग में रहे कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको केवल रेफरेंस के लिए बता दिया, हालांकि हमारा ऑल इंडिया सर्विस का टॉपिक आज चल नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आगे, अब हेडिंग डालिएगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, संसदीय विशेषाधिकार। प्रिविलेज का मतलब समझते हैं ना? अरे भाई कुछ तो बोल दिया, हाँ ना भी तो बोल सकते हैं, जरूरी थोड़े ना। मतलब आप लोग हमेशा ये तीसरा वाला ऑप्शन क्यों लेते हैं, डू नथिंग? अगर विशेषाधिकार शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो इसका हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपसे नहीं पूछ रहे, हम आपसे केवल ये पूछ रहे हैं विशेषाधिकार शब्द का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते। विशेष अधिकार का मतलब क्या? हाँ, जो केवल आपको मिला हो बाकी लोगों के पास ना हो, वही तो विशेषाधिकार है। तो संसदीय विशेषाधिकार में हम वो राइट्स पढ़ने जा रहे हैं जो संसद को मिलेंगे बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे। तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है उनको दो ग्रुप में बांट लीजिए, ठीक है। यहां पे लिखेगा फॉर मेंबर्स ओनली, यानी कि केवल सदस्यों को कौन से विशेषाधिकार मिलते हैं, और फॉर पार्लियामेंट एज अ होल, और संसद को कौन से विशेषाधिकार है। इन दोनों विशेषाधिकारों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, एक सांसद को क्या विशेषाधिकार है और पूरी संसद को क्या विशेषाधिकार, ठीक। तो हेडिंग डालिएगा प्रिविलेजेस फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। इसमें पहले हेडिंग, ठीक है। तो अगर आप संसद सदस्य हैं, अच्छा ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पढ़ रहे हैं यही प्रिविलेज स्टेट में विधायकों को भी मिलेंगे, तो अगर मान लीजिए आगे ये चीज पढ़ानी है तो ठीक है, नहीं भी अगर पढ़ानी है तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों जगह कॉमन चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने दिमाग में इसको थोड़ा सा दोनों तरफ से ऐड करके रखिए, मतलब स्टेट वाले को भी यही है, सेंटर वाले को भी यही, ठीक है। सांसद और विधायक दोनों को यही अधिकार है। पहला अधिकार ये है कि अगर आप सांसद हैं, ठीक है, तो जब भी संसद का सत्र चल रहा होगा, यानी कि ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक। अभी लिखवा देंगे, पहले सुन लीजिए पूरी बात को एक बार में, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इवन जो सेशन है उसको शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? ड्यूरिंग सेशन कोई गिरफ्तारी नहीं, सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई गिरफ्तारी नहीं। लेकिन ये वाली जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम केवल सिविल केसेस में, किसमें है? सिविल केसेस में, यानी कि दीवानी मामलों में।
फौजदारी के मामलों में नहीं, क्रिमिनल केस में यह प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। जैसे आपने किसी की जमीन कब्जा कर ली है तो यह दीवानी मामला है, ठीक है। तो इस मामले में आपकी गिरफ्तारी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद और सेशन में नहीं हो। लेकिन अगर आपने मर्डर ही कर दिया किसी को तो यह फौजदारी मामला हो गया, इसमें आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक। लेकिन जैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा सबसे पहले इसकी सूचना सदन के अध्यक्ष को दी जाएगी, यानी कि अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा के सभापति को, और अगर आप विधानसभा के मेंबर हैं तो विधानसभा के अध्यक्ष को, जो भी सदन के आप मेंबर हैं उसके अध्यक्ष को तुरंत सूचना दी जाएगी कि इनको इस मामले में, इस फौजदारी मामले में गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष क्या करेंगे, अध्यक्ष ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस मेंबर को सेशन में आने की अनुमति दी जाए या ना दी जाए, ठीक है। संसद के अंदर बाहर का कोई कानून लागू नहीं होता, मतलब जो देश में कानून लागू है वो कानून संसद के अंदर लागू नहीं होता। संसद के अंदर पुलिस तब तक नहीं घुस सकती जब तक अध्यक्ष परमिट ना करे, क्लियर। इसीलिए जो लोग भी खून फांसी वासी वाले होते हैं विधायक सांसद, वो लोग सत्र में जरूर जाते हैं, वैसे जब फ्री रहते तो कभी नहीं जाते, आपने देखा होगा ना, उनको संसद सत्र में जाने की अनुमति जरूर चाहिए होती है। रीजन क्या होता है कि आप संसद की बिल्डिंग के अंदर जैसे ही घुसे अब आप गिरफ्तार नहीं है, संसद के अंदर बैठा घूमिए बैठिए खाइए पीजिए, जब तक सत्र 9 बजे तक 10 बजे तक चला आराम से रहिए, जिनसे मिलना है मिलिए, जैसे बाहर निकलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, अंदर आप फ्री है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो संसद सत्र जब चल रहा हो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन ये केवल सिविल मामले के लिए। अभी समझ में आ गई पूरी बात, तो नोट कर लीजिए, द मेंबर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द सेशन और इवन 40 डेज प्रायर एंड 40 डेज आफ्टर द सेशन। संसद सदस्य सत्र के दौरान अथवा सत्र से 40 दिन पूर्व और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, ब्रैकेट में लिखिएगा इन सिविल केसेस ओनली, गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे ब्रैकेट में लिखिएगा, केवल दीवानी मामलों में। लाइन चेंज करके लिखिएगा, इन क्रिमिनल केसेस दे कैन बी अरेस्टेड बट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाउस, बट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाउस शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड। फौजदारी मामलों में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, फौजदारी मामलों में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाउस शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड, परंतु ऐसी गिरफ्तारी की सूचना संबंधित सदन के अध्यक्ष को तत्काल देनी होगी। संबंधित सदन के अध्यक्ष को तत्काल देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग सेशन ऑफ द हाउस दे आर फ्री फ्रॉम ज्यूरी सर्विसेज, ज्यूरी JURY, दे आर फ्री फ्रॉम ज्यूरी सर्विसेज। संसद सत्र के दौरान वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त रहेंगे, ठीक है।
न्यायिक सेवाएं या ज्यूरी सर्विसेज का मतलब कोर्ट अगर उनसे कुछ करने को कह रहा है, जैसे गवाही देना, सबूत देना, कुछ भी, वो उस समय करने के लिए बाध्य नहीं है। जब सेशन चल रहा है तो कोई उनको गवाही के लिए नहीं बुलाया जाएगा, कोई भी उनको डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, यानी कि कोर्ट से संबंधित कोई भी काम करने के लिए वो बाध्य नहीं है जब तक सेशन चल रहा है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट। कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त विशेषाधिकार। संयुक्त यानी कि संसद एज अ होल, पूरा संयुक्त का, पूरी संसद के विशेषाधिकार। अच्छा, इंडिविजुअल वाले में एक पॉइंट रह गया था, उसको भी लिख लीजिएगा। अंडर आर्टिकल 105 इन ब्रैकेट 1, अंडर आर्टिकल 105 इन ब्रैकेट 1, जिसको हम सब क्लॉज 1 कहते हैं, दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऊपर वाले में भी एक लाइन रह गई, वो लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 105 ब्रैकेट में 1 के अनुसार, ब्रैकेट में 1 के अनुसार उन्हें संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, देखिए आर्टिकल 19 भी आपको यही दे रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है ना, फंडामेंटल राइट पढ़ा है आपने। आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है, लेकिन सांसदों को 105 दे रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब संसद के अंदर वो कुछ भी, कितना भी, कैसे भी बोल सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19(1) जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है, उसके लिए प्रतिबंध है ना। आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए संविधान में प्रावधान है कि नहीं है, कहां है? 19 व्हाट? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ये बताता है कि आप क्या नहीं बोल सकते। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, कम से कम कॉपी कभी पलट लिया करिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है कि आप क्या क्या नहीं बोल सकते, जो डिग्निटी के अगेंस्ट हो, सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो, दुश्मन देशों के, मतलब देशों के बीच में दुश्मनी बढ़ा दे, मॉरलिटी के अगेंस्ट हो, आपने सब लिखा हुआ है। लेकिन जो 105 सांसदों को दे रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसमें ये सारे प्रतिबंध नहीं है। मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो देश की एकता अखंडता के विरुद्ध हो, चाहे वो नैतिकता के विरुद्ध हो, चाहे वो दंगा भड़काने वाली बात हो, चाहे वो सरकार पर क्वेश्चन हो, कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, मतलब संसद पर के अंदर घुसने के बाद आप चाहे जो बोलिए। ठीक है, बाहर जैसे आप बोलेंगे, मान लीजिए हमने आपके बारे में कुछ गलत बोला, तो आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं मेरे ऊपर, कर सकते हैं ना। लेकिन संसद के अंदर अगर जाके मैं आपके बारे में ऐसा कुछ बोलूंगा तो आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, हम कुछ भी बोलेंगे। इसीलिए सरकार को बार बार, अभी सेशन शुरू हुआ तो आपने देखा होगा, एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि कई सारे शब्दों को असंसदीय शब्द घोषित कर दिया है ना, कि मतलब ये वाले शब्द आप संसद में मत बोलिए, है ना। जैसे कि जुमला, जुमलेबाज, ये सब क्या कर दिया गया, ये सब गैर संसदीय वर्ड घोषित कर दिए गए। फेकू, है ना, ये सब आपको नहीं यूज करने, संसद के अंदर नहीं यूज करने। ठीक है ना, ये मतलब पूरी लिस्ट सरकार जारी करती है, नए शब्द जोड़ दिए गए हैं कि आप ये वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ गए। तो उसके बावजूद भी आप बोल कुछ भी सकते हैं, केवल एक शर्त है, आप ध्यान से याद रखिएगा, केवल
केवल एक शर्त है कुछ भी बोलने की आजादी में, आप किसी भी सिटिंग जज के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है। बाकी आप कुछ भी कैसा भी कुछ भी बोलिए, केवल एक चीज नहीं बोलेंगे, वो क्या है, सिटिंग जज के खिलाफ, यानी कि जो कार्यरत जज है न्यायपालिका में, जो काम कर रहा है जज, उस पर आप कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे, बाकी कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। सरकार कहेगी कि सेना ने चीन को मार के भगा दिया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमको दिखाइए कहां से भगाया। बाहर आप बोलेंगे तो लोग कहेंगे लिखो ये देशद्रोही है, लेकिन संसद में आप कह सकते हैं सबूत दीजिए, संसद में अधिकार है आपके पास, और सरकार को बाध्य कर सकते हैं, सरकार बाध्य होगी नहीं, लेकिन आप करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो सेना के शौर्य पर भी आप प्रश्न उठा सकते हैं, क्लियर हुआ। तो ये एक बड़ा विशेषाधिकार था। अब डालिएगा कलेक्टिव प्रिविलेज, यानी कि सामूहिक विशेषाधिकार। पहला पॉइंट लिखिएगा, द पार्लियामेंट हैव द राइट टू पब्लिश, द पार्लियामेंट हैव द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स, प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा। पहला पॉइंट, संसद को यह अधिकार है कि वह अपनी रिपोर्ट्स प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा, अपनी रिपोर्ट, अपनी प्रक्रियाएं आदि सार्वजनिक करे। एंड इट ऑल्सो हैव, अपनी रिपोर्ट, अपनी प्रक्रियाएं सार्वजनिक करे। एंड इट ऑल्सो हैव राइट टू प्रोहिबिट फ्रॉम डूइंग द सेम, राइट टू प्रोहिबिट फ्रॉम डूइंग द सेम, और उसे, उसे मतलब संसद को, है ना, और उसे ऐसा करने से रोकने का भी अधिकार है, और उसे राइट टू प्रोहिबिट द सेम, और उसे ऐसा करने से रोकने का भी अधिकार है। यानी कि संसद अगर चाहे तो अपनी रिपोर्ट, अपनी प्रोसीडिंग आपको दिखाए, चाहे तो रोक दे कि हम आपको नहीं दिखाएंगे। क्लियर हुई बात, उसकी मर्जी के बिना वहां क्या चल रहा है ये आपको बताया नहीं जाएगा, ठीक है। अगर संसद में लोकसभा अध्यक्ष को ये लग रहा है कि ये वाला जो काम हो रहा है जिसपे वोटिंग हो रही है हम जनता को नहीं बताएंगे, तो वो रोक सकते हैं, उसका ब्रॉडकास्ट रोक सकते हैं, लोगों को बताना रोक सकते हैं, अंदर क्या हुआ आप कभी नहीं जान सकते, ठीक है। जैसे तेलंगाना जो बना था, लास्ट स्टेट कौन सा बना है, तेलंगाना बना है लास्ट स्टेट, है ना। जब तेलंगाना वाला बिल यूपीए गवर्नमेंट में पास किया गया तो वो क्लोज डोर मीटिंग थी, क्लोज डोर सेशन था, ठीक है। उसमें क्या हुआ किसी को पता नहीं, कैसे पास हुआ, किसने क्या किया, कुछ पता नहीं, बस पास हो गया, ठीक है। तो सरकार चाहे तो उसको रोक सकती है, चाहे तो दिखा सकती है, समझ गए बात। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन एक्सक्लूड सिविलियंस एंड अदर्स फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द हाउस, फ्रॉम द सेशन ऑफ द हाउस या मीटिंग ऑफ द हाउस, व्हाटएवर। यह संसदीय प्रक्रियाओं से नागरिकों एवं अन्य को बाहर कर सकती है, नागरिकों एवं अन्य को बाहर कर सकती है। जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है तो वहां पे लोगों को जाने की, कुछ लोगों को पास मिलता है, मीडिया वालों को पास मिलता है ना, तो वो चाहे तो लोगों को अपने यहां आने दे, बैठ के देखने दे, चाहे तो भगा दे, ये उसके पास राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इंटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, संसद की कार्यवाहियों क्या लिखा है, द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर, नॉट रिक्वायर, इंक्वायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, संसद की कार्यवाहियों की जांच का अधिकार
न्यायपालिका को नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रस्ताव लाया, अध्यक्ष ने कहा भाग्य नहीं देंगे, ठीक है, तो अब आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारी बात को अध्यक्ष महोदय ने सुना नहीं, ठीक है। आपने कहा कि ऐसे ऐसे वोटिंग हुई, ये गलत हो गया, तो आपको वही सदन में ही बात करनी है, आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। मतलब संसद में जो कुछ भी हो रहा है उसकी इंक्वायरी कोर्ट नहीं करेगा, आप कोर्ट में उसके लिए याचिका दायर नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो हैज द राइट टू पनिश, इट ऑल्सो हैज द राइट टू पनिश इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, यदि संसदीय विशेषाधिकारों का हनन हो, तो वह अर्थात संसद, तो संसद संबंधित व्यक्ति को दंडित कर सकती है, ठीक है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के केस में वो पनिश कर सकती है। पनिशमेंट जो होता है, ठीक है, वो जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने संसद के विशेषाधिकारों का हनन किया तो क्या हो सकता है, जेल, फाइन या दोनों, ठीक है। ये संसद डिसाइड करेगी। संसद में दोनों सदनों की अपनी अपनी विशेषाधिकार समिति होती है, प्रिविलेज कमेटी होती है, ठीक है, जो ये जांच करती है कि क्या प्रिविलेज का हनन हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? तो लाइन चेंज करके लिखिएगा, बोथ Houses of Parliament have their own privilege committee. Have their own privilege committee. संसद के दोनों सदनों की अपनी विशेषाधिकार समितियां हैं, ठीक है। जो लोकसभा की विशेषाधिकार समिति है उसमें 15 मेंबर्स हैं, जो राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति है उसमें 10 मेंबर होते हैं, नोट कर लीजिएगा। लोकसभा वाले में 15 और राज्यसभा वाले में 10 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो यह है कि प्रिविलेज की इतनी डेफिनेशन तो हमको पता है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। इसके सिवा कुछ देखिए, भारतीय एक बात को अच्छा, हाँ ध्यान से समझिएगा, भारत में जो संसद है, ठीक है ना, हमारी संसद एक तरीके से बेस है पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन पर। हमारा पूरा मॉडल कैसा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मॉडल, जिसको हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि संसद चलती कैसे है, संसद चलती है पार्लियामेंट्री लॉज और रूल्स, ठीक है, संसद में जो नियम बनाए गए, कार्य नियम, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है, प्रक्रिया संबंधी नियम। संसद में लोकसभा के अलग है, राज्यसभा के अलग है, उन्हीं नियमों के हिसाब से संसद चलती है, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी चीज के बारे में कोई नियम नहीं है तो वो कैसे किया जाएगा, तो इसका जवाब यह होता है कि जैसे लंदन में होता हो वैसे करेंगे, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस चीज को जैसे किया जाता होगा वैसे ही हम कर लेंगे, अगर उसके लिए हमने कोई नियम नहीं बनाया। नॉर्मली हमने वही नियम बनाए हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यानी कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के केसेस में हम बिल्कुल वैसा ही फॉलो करते हैं जैसा ब्रिटेन में होता है। बात समझ में आ गई? तो जो भी नियम नहीं है, जो प्रक्रिया में नहीं है, जो भी नया करना है, तो हम किसको देखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार के मामलों में भी हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कस्टम से, उसका कोई अलग से नियम नहीं है। जैसे ये माना जाता है कि संसद में आप जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, स्पेशली सरकार,
ठीक है, मतलब आप बाहर अलग आदमी थे, गेट के अंदर घुसे आप क्या हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, ठीक है ना। अब आप झूठ नहीं बोलेंगे। सरकार ने अगर कहा कि इससे 15 लोग मरे तो ये फैक्ट है, बेयर करेक्ट फैक्ट। समझ गए या नहीं समझ गए? वहां पर जो भी बोला गया वो पूरा सच है, क्लियर? क्योंकि आधा सच पूरा झूठ होता है ना। इतिहास में युधिष्ठिर ने आधा सच बोला था ना, लेकिन वो था तो झूठ ही। तो आधा सच हमेशा पूरा झूठ होता है। आप आधा सच भी नहीं बोल सकते, पूरा सच गवर्नमेंट बोल रही है ये माना जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो अब क्या है, इसी तरीके से विपक्ष अगर कुछ बोल रहा है तो यह माना जाएगा। या तो वो कहे कि इस चीज की आप जांच करवाइए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कह रहा है कि हमारी जानकारी में है कि रक्षा मंत्री ने यह किया और फिर ऐसा हुआ, तो अब यह माना जाएगा कि यह महोदय सच बोल रहे हैं, ठीक है। या सरकार ने अगर कह दिया कि कोविड से इंडिया में एक भी मौत नहीं हुई, ये भारतीय सरकार ने संसद में कहा है, ठीक है, तो यह सच है ना, सच, बिल्कुल सच, एक भी नहीं मौत। कल संसद में, मैंने आपसे बताया ना संसद का सत्र चल रहा है, तो कल संसद में एक सांसद ने प्रश्न उठाया कि आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवाओं की डेथ हो रही है ड्यू टू हार्ट अटैक, है ना, लोग डांस करते करते मरे जा रहे हैं, कोई जिम में मरा जा रहा है, मतलब समझ भी नहीं आ रहा है ना। आदमी पता चला घर से गया शादी में, वहां डांस कर रहा था, वापस आया तो गया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने भी देखे या सुने होंगे। तो उन सांसद महोदय ने प्रश्न किया कि क्या ये चीज पोस्ट कोविड इंपैक्ट है, कोविड इंपैक्ट है, वैक्सीन का इंपैक्ट है, किस चीज का इंपैक्ट है? पहले ऐसी मौत नहीं होती थी, इस तरीके की मौत बहुत रेयर सुनी जाती थी, है ना, आदमी बैठा हुआ बैठे बैठे मर गया। तो अभी क्या है, उस पर जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कह रहे हो तो यह चीज ठीक है। आप अगर यह कह रहे हो कि नहीं ये कोविड के कारण हुआ, तब आप फंस जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो फैक्ट आप जो भी बोल दिए वो माना जाएगा। तो राहुल गांधी ने एक बार बोला संसद में कि जो राफेल वाली डील हुई थी उसमें रक्षा मंत्री तैयार नहीं थे, उनकी फाइल उनके पास ही रखी थी, मनोहर पारिकर साहब की बात कर रहे थे, और ये हुआ फिर वो हुआ। तो उनके बगल में किसी ने कहा कि भाई साहब ये विशेषाधिकार का हनन है, सबूत मांग लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा सुना है, आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको सबूत देना पड़ेगा और ये संसदीय अवमानना होगी। इसी तरीके से सरकार ने अगर कुछ बोला है तो आप विपक्ष उसके लिए अवमानना की नोटिस ला सकता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए गवर्नमेंट कुछ भी बोलने से पहले हमेशा डेटा तैयार रखती है। आप बिना फैक्ट के कुछ नहीं बोल सकते, क्लियर? आप बाहर ये बोल सकते हो कि सारे नेता चोर हैं, आप पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? और बोलने की आजादी वाला मैंने आपको बताया है पहले एग्जांपल। बाहर अगर आपने बोला कि ईवीएम हैक हुई है तो आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। पार्लियामेंट में जाकर के आप अगर ईवीएम हैक करके दिखा भी देंगे तो भी आप पर कोई कार्यवाही नहीं है ना। दिल्ली विधानसभा में सौरभ भारद्वाज ऐसे करके कोई विधायक है जिन्होंने दिखाया, डेमो दिखाया था कि कैसे कैसे ईवीएम को हम हैक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट यानी विधायिका के अंदर किया तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं। बाहर आप करोगे तो इलेक्शन कमीशन आप पे कार्यवाही कर देगा। पहली बात, आपको मिला कहां से ईवीएम? ईवीएम का प्रोटोटाइप आपको दिया ही नहीं गया है, आपने लिया कहां से? तो पहला मुकदमा तो इसी का हो जाएगा, फिर भ्रम फैलाना, शांति भंग, पता नहीं इतने मुकदमे हो जाएंगे कि आपकी जमानत तो नहीं होगी। संसद के अंदर बोलिए, विधानसभा के अंदर बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ गई, पूरी समझ में आ गई कि नहीं? अब हेडिंग डालिएगा, संसद में विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। संसद में विधायी प्रक्रिया या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। अब जो मैंने आपको शुरुआत में रोका था कि मैं अब आपको बाद में बताऊंगा, अब बता
लिख लीजिए। पहला है ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक, दूसरा है मनी बिल यानी धन विधेयक, तीसरा है फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक, और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी के संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, देख लिया। तो ऑर्डिनरी बिल किसको कहते हैं? बहुत सिंपल और स्ट्रेट डेफिनेशन है। ठीक है, ऑल अदर बिल्स, ऑल बिल्स other than money bill, finance bill and constitution amendment bill are known as ordinary bill. कोई भी विधेयक जो धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ना हो उसको हम साधारण विधेयक कहेंगे। अच्छा परिभाषा है ना, सबसे अच्छी परिभाषा यही होती है ना। जो ये तीनों नहीं है वो क्या है, यानी कि इसको हम दूसरे तरीके से समझे तो ये तीन संविधान में डिफाइंड है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो जिन तीन की परिभाषा है हमारे पास उनको तो हम परिभाषा में लिखेंगे, और जिसकी नहीं है तो इन तीनों को छोड़ के जो कुछ भी है वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी बिल। तो अगर कोई भी बिल मनी बिल नहीं है, कोई भी बिल फाइनेंस बिल नहीं है और कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक। ठीक है, आपकी इधर हिस्ट्री वाली क्लास होती है क्या इसके बाद, हिंदी मीडियम वाली? क्योंकि सर टहल रहे हैं। ठीक है, अब मनी बिल क्या होता है? देखिए मनी बिल के बारे में मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 110 ये कहता है, आप लोग घर पे जाके इसको देख भी लीजिएगा जिससे आपके दिमाग में और भी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई भी विधेयक जो भारत में जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे पैसा निकालने या ऐड करने से रिलेटेड हो, सिंपल आसान भाषा में टैक्स बढ़ाना, टैक्स घटाना, ब्याज लेना, कर्जा देना, जो भी पैसे से रिलेटेड मामला, पैसे रिलेटेड कोई भी मामला है वो सब क्या हो सकता है, मनी बिल हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो सब होने के बाद भी अगर लोकसभा अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि ये मनी बिल है तो उसको मनी बिल नहीं माना जाए, तो फिर उसको क्या माना जाएगा, अगर उस ये सब होने के बाद या ये सब ना होने के बावजूद भी लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि ये मनी बिल है तो वो मान लिया जाएगा कि मनी बिल। इतनी सी बात समझ में आ गई, हम यहीं पर रोक रहे हैं अपने आपको। ठीक है, तो मनी बिल, कल हम लोग मनी बिल डिस्कस करेंगे और कल हम आपको यह भी बताएंगे कि संसद में कानून बनता कैसे है, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ठीक है, क्लास खत्म करने के साथ मैं बता दे रहा हूं, आप लोग टाइम से आया करें। ठीक है ना, लेट करेंगे तो आपकी थोड़ी सी क्लास छूटेगी जिसका आपको कोई फायदा नहीं होना।
क्वेश्चन कोई करके लाया है? घर पे लाया है, ठीक है, गुड। एड्रेस दे दीजिएगा जो लोग घर पे आए हैं।